Are you someone who has been recently promoted to a position of leadership or management? आप पहली बार लीडर या मैनेजर बन रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 9 मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम मैनेजर्स करते हैं और जिससे उनके करियर पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड इन द एंड। आई रिमेम्बर मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर 2007 में स्टार्ट किया था और सो फार आई हैव ओवर 15 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इट वॉज फर्स्ट टाइम जब मैं अराउंड 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस पे था आई वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू लीड अ स्मॉल टीम। एट फर्स्ट आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, मैं मैनेजर बन गया, मैं लोगों को लीड करने वाला हूँ। बट देन केम द डार्क, तब मुझे पता चला कि इट इज एज दे से इट्स मच इजियर टू वर्क देन टू मेक पीपल वर्क। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे लेसन्स जो कुछ मेरे खुद के मिस्टेक्स हैं, कुछ मैंने लोगों से सीखे हैं, ताकि आपकी जो ये जर्नी है वो बेटर हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 9 मिस्टेक्स अ फर्स्ट टाइम लीडर और फर्स्ट टाइम मैनेजर टू कैन रियली कॉस्ट देम इन देयर करियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि नए मैनेजर एंड लीडर अक्सर करते हैं, वो है इमीडिएटली बहुत सारे चेंजेस लाना, ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ चेंजेस इमीडिएटली। नाउ अंडरस्टैंड, आप नए लीडर हैं, नए मैनेजर हैं, द टीम मे नॉट बी, और अगर आप एकदम से बहुत सारे चेंजेस लाते हैं इट कैन बिकम ओवरवेलमिंग फॉर द टीम एंड इट कैन लीड टू एज दे से कैटास्ट्रोफी। सो आप अगर आप फर्स्ट टाइम मैनेजर हैं, इमीडिएटली आते ही बहुत सारे चेंजेस, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, एक्चुअली दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल। अगर आप कोई भी लीडरशिप मैनेजमेंट पोजिशन पे हैं, किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, नए टीम ज्वाइन कर रहे हैं, डू नॉट इमीडिएटली ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस। सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक यू शुड अवॉइड। नंबर टू, नॉट ऑब्जर्विंग। अगर आप नए जगह पे आए हैं, यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 2 ears and 1 mouth, विच इज आप सुनिए ज्यादा, ऑब्जर्व ज्यादा करिए और बोलिए कम। अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं जो आते ही ब्लैबर करना स्टार्ट कर देते हैं, नए आज ही मैनेजर बने और कल से ही लोगों को स्पीच देना स्टार्ट कर दिया, इट मे नॉट वर्क इन योर फेवर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लीडर, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम लीडर या मैनेजर हैं, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लिसनिंग स्किल, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, देन ब्लैबरिंग अ लॉट और स्पीकिंग अ लॉट। लेट्स मूव ऑन टू द mistake number 3 and the third mistake is not listening to all the team members। जब आप नई टीम ज्वाइन करते हैं या आप प्रमोट होते हैं, there are different people at different wavelength। अलग अलग लोगों की बोलने की क्षमता, ऑब्जर्व करने की क्षमता, सुनने की क्षमता, काम करने की क्षमता अलग अलग लेवल पे हो। एंड इफ यू आर समवन हु इज नॉट कीनली ऑब्जर्विंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल, दिस कैन बैकफायर। गो टू डिफरेंट पीपल एंड लिसन टू देम, ऑब्जर्व देम एंड अब्सॉर्ब फ्रॉम देम बेस्ड ऑन वेयर दे आर। नंबर 4, बिफोर आई टेल द नंबर 4, लेट मी टेल यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी। आई थिंक इट वॉज ईयर 2016। I came back to India. I was in UK. मैं इंडिया वापस आया and I was given to lead a team of about 9 or 10 people. Somebody was moving out. I was there to replace her. And she started giving me ये इसका ऐसा है, वो उसका वैसा है। I took it. मैंने जो भी उन्होंने दिया, opinion दिया, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है। But somehow it didn't make sense to me. And then I started working with the team and it turned out to be that was her opinion. Respect to her, but that did not feel like it should be my own. And that is the 4th mistake that you should be careful. Listen to everyone. जा रहा है जो senior management है, team है, but build your own opinion. I'm very sure अगर मैंने जो मुझे पहले से मिला हुआ था बैगेज, अगर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता तो शायद मुझे रिजल्ट भी सिमिलर मिलते, एवरेज मिलते, बट बिकॉज आई डिड नॉट गो विद दैट, द टीम टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर एंड आई वाज सुपर सुपर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू इज व्हेन यू आर गोइंग टू द फर्स्ट टाइम लीडर पोजीशन, यू विल गेट बैगेजेस, यू विल गेट ओपिनियन, बट डोंट मेक इट योर ओन। लिसन, ऑब्जर्व एंड देन मेक योर ओन ओपिनियन। लेट्स मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 5। सो 5th मिस्टेक, they are not curious about people, they don't want to know about their team member, they don't want to connect, and wahan pe wo disengagement aa jata hai। एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों के बारे में क्यूरियस होइए कि आप एग्जाम्पल कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका वीकेंड कैसा रहा, आप कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, क्या आपके कस्टम्स हैं, क्या आपके ट्रेडिशंस हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट वेन यू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज वेयर द ट्रस्ट इज बिल्ड। वेन आई स्टार्टेड हैंडलिंग दैट बिग टीम, वन ऑफ माई रिचुअल्स वॉज इवन इफ आई एम सुपर बिजी, आई विल मेक श्योर कि मैं हर टीम मेंबर से एटलीस्ट 5 मिनट रोज कनेक्ट कर रहा हूँ, आस्किंग देम how was the weekend, asking them
what is going on, what is the kind of challenge they are facing, what are the great things that's happening, and that build a super app. So this is a mistake people do, that they are not curious about people. And this is a tip also, that try to connect with your team members at a human level. Don't be mag taskmaster, mane task diya hua ke, that is also required, but be a human and connect with your team members who are also human. Let's move on to the sixth mistake, making changes without giving any reason or rationale. आप कोई बहुत ही बड़ा चेंज कर रहे हैं या छोटा चेंज कर रहे हैं, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसली क्यों आप ये चेंज कर रहे हो. अगर आप एक तरीके से काम करते थे, अभी दूसरे तरीके से काम करना है, क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट कुड बी वेरी ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, कि मुझे मैनेजमेंट से बोला गया है, कस्टमर से बोला गया है करना है, और इट कुड बी देयर इज अ बेनिफिट डूइंग थिंग्स इन सर्टेन वे नाउ, चेंजिंग द वे वी डू. बट व्हेन यू कम्युनिकेट टू योर टीम द रैशनल रीजन वर्सेस सेइंग कि अभी ऐसा ही होना है, दैट्स फाइन, अभी ऐसा होना है, बट अगर रीजनिंग बताते हो, the team looks up to you. So a lot of first time leaders, they get into that arrogant stage, कि नहीं ऐसे ही होना है, without telling your team. And let me tell you, we are dealing with Gen Z and the next generations, they don't take it things just like that, they need proper reasoning. So make sure that whenever you are changing something, you are also providing a valid reason and rationale for that. Let's move on to the seventh mistake people do, doing everything on your own. Being there, done that, I know, कि अगर आप next level पे चले गए, leader बन गए, manager बन गए, आपको लगता है कि सारा काम आपको ही करना है, क्योंकि you don't trust your team, you don't know whether they'll be able to do, and more importantly, you are the best person to do that. As a leader, you need to get out of that ego. अगर आपको एक अच्छा leader बनना है, then you have to learn this art of delegation. कैसे लोगों को delegate करना है. Again, back to my own example, जब मुझे इतनी बड़ी team handle करना था, I started to find out कि किसको क्या चीजें पसंद है, किसको data collect करना पसंद है, किसको meeting organize करना पसंद है, किसको customer call करना पसंद है, and then I started delegating. Delegation is also an art, and if you want me to make a video about delegation, I can do that. But remember that as a leader, so first time leader especially, what you don't want to do is take everything on your own and not delegate. So tip here is delegate responsibly. Let's move on to the second last mistake, not provide feedback to your team. Now I understand, jab aap first time bante ho manager, it is very uncomfortable logon ko feedback dena, logon ko batana ki ye tum acha kar rahe ho, ye tum thoda better kar sakte ho, and there's an art of providing feedback. Again, is pe agar video banana hai, so let me know in the comment if you want me to make a video about art of providing feedback. Most importantly, don't commit this mistake ki aap apni team ke sath review nahi kar rahe ho, aap apni team ko feedback nahi provide kar rahe, apni team ko guidance nahi provide kar rahe ho, kyunki I have done that. I am going to be honest, my first time mujhe team handle karne ko mila tha, for first few months I was like ki mujhe zyada kaam karna hai, the team ko kya feedback dena hai, they are doing good. It was until I get a feedback from my manager that I realized the importance of giving feedback and reviews. So don't do this mistake, make sure that you are providing review and feedback to your team on a continuous basis. The last one, but the most important one, is agar aap ek leader hain, ek manager hain, there will be times when your team will do great work, and there will be time when your team will make a mistake. It may happen soon, it may happen later, but it is your approach, is your attitude to handle both of these that will make a difference. Now I've seen lot of people jo ki criticize publicly karte hain apni team ko aur appreciate privately karte hain. The great leaders, they do the opposite. Agar aapki team se koi mistake ho gaya hai, kisi se personally, kisi individual se mistake ho gaya hai, ya team se mistake ho gaya hai, don't criticize in front of others, don't criticize in public. Agar kisi individual se hua hai, take them to a secluded place, to meeting room, and then give the feedback. Agar puri team se hua hai, then make sure ki koi outside the team member nahi hai, sirf team ke log hain jab aap feedback de rahe hain. And at the same time, when they do great job, appreciate them in public. अगर किसी इंडिविजुअल ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी टीम के साथ अप्रिशिएट करो. अगर पूरी टीम ने किया है, तो मैनेजमेंट के सामने, कस्टमर के सामने उनको अप्रिशिएट करो. सो आई होप आपको ये सारे टिप्स हेल्प करेंगे. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम मैनेजर और यू आर एक्सपीरियंस मैनेजर लीडर, तो कमेंट करके बताइए कि और कौन से ऐसे टिप्स हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस जर्नी में बहुत मदद किए हैं. एंड एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.